तुमने क्या मैं आपकी मेरे शरीर में इंद्रियों में जो भी शक्ति हाथ पांव में ये सब आपके पालन करता है पालन हार है। भगवान ने कहा मां को ध्रुव क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा आपको प्राप्त करने के बाद मन में कोई आकांक्षा ही नहीं रहती मांगने। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में उठाया क्योंकि ध्रुव जी की पहले जब घर से चले थे तो भगवान की गोद में बैठने की कामना लेके चले थे। जैसी कामना होती है भगवान उसे पूर्ण करते हैं। राम अवतार में भी जब लंका से विभीषण जी राम जी के चरणों में आए तो राम जी ने विभीषण के आते ही विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। रावण की चिंता होते ही भले ही बाद में विभीषण जी के मन में मांगने की कोई इच्छा नहीं रही परंतु मन में कामना लेके आए थे विभीषण जी रावण मरेगा तो मैं लंका का राजा बनूंगा। तो राम जी से मिलते ही रामचंद्र जी ने विभीषण का राज्य अभिषेक कर दिया था उसे लंका का राजा बना दिया। ऐसे ही भगवान ध्रुव को ध्रुव जी जब घर से चले थे तो परमपिता परमात्मा की गोद में बैठने की लालसा थी तो भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया और कहा कि बेटा ध्रुव 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और उसके बाद तुम्हें वो स्थान प्राप्त होगा ध्रुव तारा के रूप में जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गई। ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त करके अपने घर की ओर लौटी। नारद जी ने जाकर के ध्रुव जी के पिता को बताया कि ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। जिस माता ने ताना मारा था जो पिता गोद में नहीं बैठाना चाहता था स्वागत की तैयारी करके बड़े बड़े फूल नगारों के साथ और ध्रुव जी की अगवानी करने के लिए गई। आई जो भगवान को प्राप्त करता है उसके पीछे दुनिया दौड़ती है। ध्रुव जी का स्वागत किया। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। ध्रुव जी के भाई प्रसेन को एक बार कुबेर के यहाँ गए कुबेरों के साथ युद्ध हुआ वहां मारा गया। अब ध्रुव जी की राज में पड़ा ठाट बाट। भगवान के परम भक्त रात दिन भगवान कृष्ण की आरती होती वंदना होती भोग लगता। ध्रुव जी अपने हाथ से भगवान की सेवा करते। भगवान की सेवा हमेशा अपने हाथ से करनी चाहिए। भगवान का गुणानुवादन जो सेवा है भले घर में कितने लोग हों जो करेगा उसी को फल की प्राप्ति होगी। अपने हाथों से ठाकुर जी को नहलाना स्नान कराना भोग लगाना ये व्यक्तिगत धन है। भगवान के गुणानुवादन करना इसीलिए श्रवण भक्ति सर्वप्रथम है। जब भगवान के बारे में सुनते हैं तब भगवान के गुणानुवादन को भी करते हैं। सबने भगवान की कीर्ति को भी स्मरण करना है। तू माता कृपा की नजरिया हो बाकी।
तेरी बात।